इस बार जब मैंने तय किया था लगभग एक साल पहले कि मुझे थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि अपने हेयर लाइन को थोड़ा सा और बेहतर करना है, क्योंकि वो काफ़ी पीछे जा रहा था अपने फोरहेड और टेम्पलेट की तरफ, लेकिन यहाँ मैं स्किन रूट्स के क्लिनिक में आया तो देख के मैं खुद ही मतलब इम्प्रेस्ड हो गया। इट्स अ नाइस स्प्रॉलिंग स्पेस, बहुत एस्थेटिक है, बहुत क्लीन है, बहुत मॉडर्न है। देन आई मेट डॉक्टर प्रकाश। गुड मॉर्निंग लिपिका, हाउ वाज योर वीकेंड? बड़े और इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन पर हम उंगली उठा रहे हैं। सो डॉक्टर प्रकाश की खूबी है, एक तो उनका अत्यंत शांत पर्सनैलिटी, कामनेस, नेचुरल कामनेस टू डील विथ एनी इशू एनी प्रॉब्लम, अब एक्सट्रीमली काम विथ ट्रिमेंडस क्लैरिटी एंड नोइंग हिज गोल्स वेल। तो किसको क्या चाहिए और वो कैसे समझाया जाए, कन्विंस किया जाए, एंड देन टेकिंग टू द प्रोसेस एंड स्टिक टू हिज वर्ड, जो जो कहा है उसी को पूरी तरह से जिसे कहते हैं कि एग्जीक्यूट करना, उसी प्रोसेस में एग्जीक्यूट करना, ये एक बहुत बड़ी खूबी है। सो जॉय सर आज आए हैं हमारे पास स्किन रूट्स क्लिनिक में दिल्ली में। सर काफ़ी शूट्स में बिजी रहते हैं अभी, काफ़ी उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। सो अभी हमने एग्जामिन कर लिया है सर का हेयर लाइन का, एक सर्जरी पहले हुई है FUT और अच्छी हुई है, बट हेयर लाइन हम चाह रहे थोड़ी और नीचे करें और टेम्पल थोड़ा सा और रिक्रिएट करें इनका, ताकि यूथफुल लुक आए बट वो नेचुरल वे में रहे। सर का एक कंसर्न ये है कि बिल्कुल ऑड ना लगे, बिल्कुल नेचुरल सा लगे, क्योंकि वो शूट बिल्कुल कैमरे के सामने दिखता है। और हमने ये डिसाइड किया है कि हम ट्रिम नहीं करेंगे हेयर्स को, क्योंकि बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं आने वाले कुछ महीनों में। ट्रिम करने के बाद हो सकता है काफ़ी दिन उनको रेस्ट करना पड़ जाए, तो हम ट्रिम नहीं करेंगे, हम हेयर लाइन क्रिएट ऐसे ही करेंगे। ग्राफ भी प्लेसमेंट जो हेयर्स के एग्जिस्टिंग हेयर्स के बीच में है उसमें करेंगे। तो सर अभी फिर हम हेयर लाइन आपका डिज़ाइन करते हैं, आप एक बार देखिए, आपको अगर उसमें कुछ कंसर्न्स रहते हैं, आपके कुछ अपने आइडियाज़ हैं तो आप बताइए, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। आपके कहने पे तेल बदल लिया है, सब कुछ फॉर्चून राइस ब्रांड ऑयल में बना। अच्छा, बस ऑयल ही बदला है। लिफ्ट लेते हैं, ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर। दो कदम आगे जाना हो तो गाड़ी निकालते हैं, और बात बात पे स्ट्रेस। सब कुछ तेरा ऑयल ही करेगा और तू कुछ नहीं करेगा। मैंने यहाँ इस पूरे प्रोसेस इन चीजों में सिर्फ 24 घंटे स्पेंड किया, लेकिन एक ही दिन में सुबह से लेकर रात के अंदर मुझे इंस्पेक्ट करना, मुझे टेस्ट करना, मेरे प्रॉब्लम में दिक्कतों को समझना और कैसे करेंगे वो चीज़ें समझाना, वो बारीकियां समझाना, दैट इन द लॉन्गेस्ट प्रोसेस दैट आई हैव गॉन थ्रू देयर वाज नो फीलिंग ऑफ इधर द लेंथ और द स्ट्रेस और द प्रेशर और द delicacy of the transplant process. It is a very delicate process. सब जानते हैं कि ट्रांसप्लांट करना कोई आसान नहीं है, तो अगर कोई आपको बोलता है कि कहीं से भी करवा लीजिए, कैसे भी करवा लीजिए, सस्ते में करवा लीजिए, इट्स अ वेरी डेलिकेट प्रोसेस। इट हैज़ टू बी डन इन अ वेरी डेलिकेट, एक्यूरेट एंड स्मूथ मैनर। आई प्रॉमिस आई विल मेक अप फॉर इट। आना को मैं कुत्ता बना था, बी योरसेल्फ। की बोलबो किछु ना, I would have been least bothered. And not you. But your mind. मेरे को डर इस बात का था कि इस लंबे सर्जरी के बाद जो मेरे करीब 6-7 घंटे का था, क्योंकि मेरे जो ग्राफ्टिंग की गई वो इस बार 2700 हेयर सूट्स की ग्राफ्टिंग की गई, फॉलिकल्स की ग्राफ्टिंग की गई, जो एक अच्छी क्वांटिटी है और ऑब्वियसली लंबा प्रोसेस है, क्योंकि आप उसको बारीकी से करना चाहते हैं। यू आर नॉट जस्ट स्टिकिंग एंड पेस्टिंग, you are actually planting them each one by one artistically, scientifically,
But I have to tell you, this is what surprised me. When I left the surgical table and came out, I didn't feel heaviness of head. The anesthesia was still there, but heaviness of head wasn't there. I didn't feel any pain and I didn't feel any itch at all. सब मुझसे बार बार पूछते रहे ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑल्सो कि इचिंग तो नहीं हो रही है, पेन तो नहीं हो रहा है, कोई रिएक्शन तो नहीं लग रहा है, आर यू फीलिंग अनकंफर्टेबल एक्सेट्रा. आई डिडंट फील. उसके बाद मैं अपने होटल गया और बिल्कुल जो प्रोसेस बताया, जो चीज़ें बताई थी, मेडिकेशन हो चाहे वो स्प्रे हो, वो करके जिस तरह से मुझे सुने को कहा था कि सर ऊपर करके थोड़े से हाई पिलो पे, मैं सो गया. एक्चुअली मुझे नींद आ गई. सुबह मैं उठा बिल्कुल फ्रेश था, बिल्कुल फ्रेश था. क्लिनिक में आके मुझे एक बार चेकअप करवाना था कि वो प्रोसेस के बाद. एंड आई एम फीलिंग फिट एज ए फिडल. इनफैक्ट राइट नाउ आई एम इन अ मूड टू गो वॉच अ मूवी, गो टू अ रेस्टोरेंट ईट, और इवन यू नो हैव मोर अड्डा सेशंस. देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो फ्रॉम माई स्टेपिंग इन टू द क्लिनिक, टू द एस्थेटिक एक्सपीरियंस, टू द कंसल्टेंसी, द ईज, द कामनेस, the process, the execution, the science and art of it, the post remedy part of it, and now starts my process. Ab doctor nahi, ab clinic nahi, ab mera process hai. I have to stick to what all he advises me or what all he has advised me for next 3 months. This is my challenge. I will stick to it and I will see the result, and I'm quite sure the way it was done, the results will match the very experience of the execution. So I think रिजल्ट तो बहुत अच्छा आएगा. जो हमारा जो एक देख रहे हैं हम लोग डोनर एरिया जैसा था और जितना एरिया कवर करना था, हेयर लाइन में वैसे भी रिजल्ट बहुत अच्छा आता है बिकॉज पीछे एग्जिस्टिंग हेयर काफ़ी होते हैं सपोर्ट करने के लिए. तो हाँ, एक ये था कि सर का एक डिमांड था कि हम ट्रिम ना करें, उसको भी किया है कि सामने हमने ट्रिम नहीं किया क्योंकि उनके कुछ शूट्स हैं अभी. सो वो एक छोटा सा एक प्रॉब्लम होता है कई बार, क्योंकि बीच में हेयर्स डालने होते हैं, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, या बोले कि उस पर थोड़ा एफर्ट ज़्यादा देना पड़ता है. वो सब भी हम लोगों ने कोशिश की बहुत अच्छे से हो जाए. तो ओवरऑल जो रिज़ल्ट का हम लोग सोच रहे हैं वो आई थिंक बहुत अच्छा आएगा. कि पूरा प्रोसेस हमने बड़े साइंटिफिकली, बड़े मॉडर्न तरीके से, बड़े कामली, बिना किसी हिच या झंझट के. नॉर्मली हर मेडिकेशन, हर सर्जरी, हर उसमें थोड़ी बहुत तो दुविधाएँ आती ही हैं, ये नहीं वो नहीं, पर यहाँ तो कोई दुविधा नहीं आई. चैलेंजेस बस ये थे कि पहले की जो हेयरलाइन थी उसमें डायरेक्शंस थोड़े हम लोग कई बार मैनेज करने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ लगाने पड़ते हैं, या अगर कहीं डायरेक्शन गलत रहता है तो हमको सही करना पड़ता है. तो वो एक चैलेंज होता है रिविजन हेयर ट्रांसप्लांट में हमेशा. जो बखूबी हो गया, अच्छे से हो गया. 2740 ग्राफ्स लगे हैं सर के, और अच्छी डेंसिटी के साथ पैकिंग हुई है. हेयरलाइन बहुत ही नेचुरल रखा है जैसे वो चाह रहे थे, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू फेस, अकॉर्डिंग टू एज, जो हाइट वो चाह रहे थे उस पर रखा है. तो आई थिंक बहुत अच्छे से हमने ट्रांसप्लांट किया. सर बहुत ही कम्फर्टेबल थे सर्जरी के टाइम पे, बहुत कोऑपरेटिव थे. हम अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं कि पेन मिनिमम रहे या डिस्कम्फर्ट मिनिमम रहे, बट सर इतने कोऑपरेटिव थे कि थोड़े बहुत चीज़ें अगर होती रही बीच में तो उसको बहुत अच्छे से उन्होंने कोऑपरेट किया उस चीज़ों में. तो आई थिंक सर, थैंक्स टू यू एंड थैंक्स फॉर चूजिंग स्किन रूट्स फॉर योर हेयर ट्रांसप्लांट. नो थैंक यू. ये मतलब मैं इसके बारे में जान पाया, ये जो है इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ. ये रही मेरी जर्नी फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड. होपफुली इफ यू ऑल्सो पुट द सेम काइंड ऑफ डिलीजेंस, सेम काइंड ऑफ सेंसिबिलिटी, कि आप आए, बैठे, समझें और उसके बाद अपने आप को सरेंडर करें, आपका एक्सपीरियंस भी मेरे जैसा सुखद होगा. मैं जॉयसन गुप्ता खुशी खुशी अब अपने शहर मुंबई वापस जा सकता हूं, अपने शूटिंग्स वगैरह फिर से शुरू कर सकता हूं एक 10-12 दिन के गैप के बाद. लेकिन तब तक मैं बाकी काम कर सकता हूं, मैं बाहर जा सकता हूं, जैसे मैंने कहा फिल्में देख सकता हूं, खा पी सकता हूं, मैं रिहर्सल भी कर सकता हूं, रीडिंग भी कर सकता हूं, मीटिंग्स भी कर सकता हूं, तमाम चीज़ें कर सकता हूं और उसके बाद शूटिंग भी कर सकता हूं.